राजस्थान के करौली जिले में एक बुजुर्ग ने अपने से 53 साल छोटी युवती से शादी रचाई है। इस अनोखी शादी में बुजुर्ग का दामाद भी बराती बनकर शामिल हुआ। दूल्हे राजा के पहले पत्नी भी मौजूद है और उसके दो बेटियां भी हैं और उनकी शादी हो चुकी है। 83 साल के सुखराम का एक बेटा था और उसका करीब 2 साल पहले निधन हो गया था। कहा जा रहा है कि दूल्हे ने बेटे की लालसा में शादी की है। मामला करौली जिले के सपोटरा के सैमरदा गांव का है। वृद्ध दूल्हे की दुल्हन रमेशी देवी बैरवा की उम्र 30 साल है। शादी से पहले सभी कार्यक्रम धूमधाम से मनाए गए। बारात में दामाद पप्पू बैरवा ने भी जमकर डांस किया। दुल्हन रमेशी बैरवा 7 बहने हैं और 6 बहनों की शादी हो चुकी है। रमेशी इनमें सबसे छोटी है। रमेशी का एक भाई विकलांग पैदा हुआ था। शादी सभी की सहमति से हुई, यहाँ तक कि दूल्हे सुखराम की पहली पत्नी बत्तो देवी और दुल्हन के पियर पक्ष सभी इस शादी से सहमत थे। वहीं दुल्हन की दिमागी हालत भी कमजोर बताई गई है। सुखराम और उसकी पहली पत्नी के अनुसार 2 साल पहले उनके 30 वर्षीय बेटे की मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद परिवार का कोई वारिस नहीं बचा था, इसलिए वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी की है। कुल मिलाकर इस बेमेल विवाह की चर्चा है। वहीं इसने यह भी दर्शाया कि बेटा होने की चाहत किस कदर समाज पर हावी है।